so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. अवार्ड शो बनाया है, ये फर्स्ट ईयर है और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि उनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है इस अवार्ड के ज़रिए, तो उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा जिन लोगों को अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छा काम है और सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ जिन लोगों को अवार्ड मिला है, और आगे के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ अखिलेश जी को कि इसी तरह हर साल वो ऐसा करते रहें। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द गॉड एंड ये एक फिर से एक नई आगाज़ हुई है, एक नई शुरुआत हुई है, जैसे मंदाकिनी मैम ने बोला दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड ऑफ ICCA एंड अखिलेश जी हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वो काफ़ी हद तक मैम कामयाब भी होते हैं, और एक्ट्रेस को इसके अलावा और क्या चाहिए, काम करके आप पैसे तो कमा रहे हो लेकिन जब तक आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जब तक तारियों की गड़गड़ाहट हम नहीं सुनेंगे तब तक वो मज़ा ही नहीं आता, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। सो आई रियली वॉन्ट टू विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू अखिलेश जी एंड ICCA अवार्ड, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये दूसरी बार द वंडरफुल वुमन और वर्ल्ड्स ब्यूटिफुल वुमन मंदाकिनी जी के साथ ये ये चेयर, ये माहौल और ये स्टेज और ये अवार्ड शेयर करने को मिला, एंड आई एम रियली ग्लैड शायद मैं आज ही के दिन के लिए बनी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? समर्था को जनरल नॉलेज में एज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 5 बार ब्रेक किया है। रिसेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मिनिस्टर्स के नाम वो विद इन 7 मिनट्स में पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम दे सकती है, तो एंड ऑल्सो उसको पहले जनरल नॉलेज के लिए भी GK प्रोटुगी का मिला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड का मिला है, IQ मास्टर का मिला है, तो अभी इस टाइम पे प्राइड ऑफ महाराष्ट्र मिला है। समर्था एक मिनट, आवर प्राइम मिनिस्टर नेम इज, आवर प्रेसिडेंट इज, आवर होम मिनिस्टर इज, आवर डिफेंस मिनिस्टर इज, our finance minister, okay, our chief minister of Maharashtra is, deputy chief minister is, okay, who is the king of Shiv Sena? Who is the king of Manse? Who is our foreign minister? Very good. ऐसे बहुत है। Thank you समर्था, देख लिया आप लोगों ने, ये 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 2-2.5 साल की बच्ची है और इतने ही एक्सपर्ट है, IQ इंटेलिजेंस उसका जो IQ जो है वो बहुत पावरफुल है, मुझे लगता है इसका भविष्य बहुत अच्छा है, और मैं इसके साथ जुड़ा हूँ। दूसरी बार हमने समंता को सम्मानित किया है अलग अलग क्षेत्र में। नहीं, मुझे अखिलेश जी के बारे में कुछ बोलनी है।
मे बी उन्होंने मतलब बहुत एक्सपीरियंस चाहिए सब चीज़ों के लिए, बट उन्होंने स्पेशली समर्था को लेकर उसके टैलेंट को नॉमिनेट किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. बिकॉज ऐसे तो बहुत लोग रहेंगे जो जिन्होंने ऐसे प्रमोट नहीं किया या फिर किसी के टैलेंट को बाहर नहीं दिखाया, बट अखिलेश जी हमेशा एक सपोर्ट और एक बैकबोन बोलते एक मेंटोर की तरह हमेशा मुझे एक गाइड किए हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू अखिलेश जी. थैंक यू समर्था. थैंक यू. अवार्ड भी आयोजित किया है अमित जी ने, आप यहाँ पे मौजूद थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं अखिलेश सिंह जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ यहाँ पर मुझे निमंत्रण करने के लिए. मैं अपना लीडर सिंह मेरा नाम है, जयदीप एग्जीबिटर्स एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का मैं होटल सीईओ हूँ और अखिलेश का प्रिय मित्र हूँ. हम लोग फ्रेंड्स हैं दोनों, और जब भी इनका अवार्ड शो इस तरीके का होता है मैं इनको बूस्ट करने के लिए आता हूँ. ये मुझे हमेशा याद करते हैं और इनका काम को बढ़ावा देता हूँ मैं. बहुत अच्छा लगता है जैसे जिस तरीके से अभी लोगों को अवार्ड दिया गया है तो इनका जो है काफ़ी इनको इनका मनोबल बढ़ता है और भी अच्छा लगता है. क्योंकि क्या आईफा अवार्ड्स में जैसे वहाँ पर पहुँचने के लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने जो बनाया है और वो प्लेटफॉर्म मैं चाहता हूँ कि जारी रहे, और मेरी शुभकामना इनके साथ है. आज आपने देखा कि हमारे हिंदुस्तान की लीजेंड मंदाकिनी जी जो यहाँ पर पधारी थी, इनके फैंस भी वगैरह सब आए थे यहाँ पर, और अखिलेश सिंह जी के, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब सबको ये किया तो उसके लिए भी हम बहुत आभार हैं. और मैं फिर से एक बार थैंक्स बोलना चाहूंगा. थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सो मच. एंड अभी रिसेंटली उसने मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स का नेम विद इन 5 to 7 minutes उसने दिया है. सो दैट इज द यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो एंड ऑल्सो शी इज गोइंग टू ऑनर इन दिल्ली बाय द मिनिस्टर दिस कमिंग जून. एंड अर्लियर ऑल्सो शी गॉट अवॉर्डेड एज अ प्राइड डॉटर ऑफ नेशन बाय भारत न्यूज इन दिल्ली. मायसेल्फ राहुल चंचलानी, आई एम फ्रॉम गांधीधाम कच्छ. मुझे आज बेस्ट फैशन कोरियोग्राफर ऑफ द ईयर का दादा साहेब फाल्के का अवार्ड मिला है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड. ये आईसीसी अवार्ड जो है अखिलेश जी का, ये नए लोगों को प्रमोट करते हैं और लोगों को उनकी कला के लिए अवार्ड देते हैं और इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं. ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं अखिलेश जी के लिए कि हमेशा हर साल इसी तरह लोगों को प्रोत्साहित करते रहें और लोगों को अवार्ड देते रहें. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? मुझे मिला है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. एक्टर्स को क्या अप्रिशिएशन बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे अवार्ड फंक्शंस होने भी चाहिए. एंड अखिलेश जी उन लोग को दे रहे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ओपनिंग फॉर ऑल दोज एक्टर्स जो मिस आउट कर जाते हैं. तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया एंड ऑल थैंक्स टू अखिलेश जी. अखिलेश जी, अखिलेश जी एक मिनट आइए. आप भी अखिलेश आइए. आइए अखिलेश जी, आइए बैठिए, आइए. और थैंक यू सो मच अखिलेश जी हमें यहाँ बुलाने के लिए. थैंक यू रुपेश जी. थैंक यू. थैंक यू रुपेश जी. रुपेश जी मेरे जब मेरे करीब रहते हैं या मेरा सब सपोर्ट करते हैं तो मुझे सच में वाकई में एक हौसला मिलता है. क्योंकि क्या है कि इंडस्ट्री में अगर काम करने वाला व्यक्ति अगर किसी काम करने वाले व्यक्ति को सपोर्ट करे और वही बेहतर समझ सकता है ना फीलिंग को, कि भाई अगर काम कर रहा है बंदा तो ही वो समझ सकता है कि किसी की फीलिंग को. तो रुपेश जी का हमेशा सपोर्ट रहता है और थैंक यू वंस अगेन रुपेश जी. और विनोद सिंह जी, मैं भी सिंह हूँ, विनोद सिंह वहीं से बिहार से है. तो बड़े सो हम लोग अनाउंस कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म साथ में. और विनोद जी का अभी वनवास खत्म हो गया है, गंगा को जल कर रहे हैं. और इनको आपने आयुष्मान वगैरह में देखा होगा, काफी इनको प्यार मिला है और अभी इनके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में धीरे धीरे आपको पता चलेगा बहुत जल्दी. अखिलेश जी क्या कहना चाहेंगे न्यूकमर्स को अवार्ड देना, कब ख्याल है कि इस तरह से नए कलाकारों को भी अवार्ड से सम्मानित करना? नहीं, यही अपना उद्देश्य ही है कि कुछ अच्छा करे, कुछ लोगों के लिए काम आ सके, किसी के जीवन में थोड़ा सा भी खुशियाँ दे सके, तो उसी को ये एक प्लेटफॉर्म बना के करते आ रहे हैं. एक दिन था कि मैं हमेशा बताना चाहूँगा कि मैं एक 10x10 के हॉल से शुरू किया था. आज आप सारा स्टार समझ सकते हैं कि मामूली बात नहीं है. तो और लोग जुड़ते गए,
लोग जुड़ते गए कहाँ, जब भी कोई 10-20 लोग थे, आज हजारों लाखों लोग हो गए हैं जिनको मैंने मान सम्मान दिया है और उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहता है। तो दिल से कुछ भी करो तो उसका असर दिखता। इनके लिए वो बोलते हैं ना वन मैन शो या वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, और इतना